भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले। यात्रा समापन के बाद शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ के अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम का शनिवार को जनपद प्रथम आगमन पर कांग्रेस जनों द्वारा रोडवेज पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद अम्बेडकर प्रतिमा और गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद शहर अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव देश को जोड़ने का काम किया है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की यह 136 दिवसीय यात्रा से विपक्षियों में भूचाल सा आ गया है। लगभग 4000 किलोमीटर की यह यात्रा 12 प्रदेश, 75 जिला, 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरी, जहां लोग राहुल गांधी का अपना समर्थन देकर 2024 में कांग्रेस फिर से की आवाज़ लगाई। पूंजीपतियों को समर्पित इस सरकार को आगामी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उखाड़ फेंकेगी और प्रत्येक भारतीय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले राहुल गांधी जैसे सुरक्षित हाथों में देश की जनता अपनी बागडोर सौंपेगी। भाजपा के ध्रुवीकरण की राजनीति के खेल को अब जनता बखूबी समझ चुकी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो पुरानी पेंशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की बहाली होगी, किसान की खुशहाली, हर युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी और कानून का राज कायम होगा। 2024 के लिए संगठन की मजबूती और लोगों में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए अभी से कार्यकर्ता जी जान से जुट गए। इस दौरान स्वागत करने वालों में मंत्राज यादव, आदित्य सिंह, सबिया अंसारी, रियाजुल हसन, सोनू प्रजापति, मोहम्मद आमिर, मिर्जा शाने आलम बेग, मिर्जा बरकुल्ला बेग, बिलाल अहमद, तेज बहादुर यादव, मुन्नू मौर्य, प्रदीप यादव, शाहिद खां, मोहम्मद अफसार, जगदम्बिका चतुर्वेदी, मेराज कुरैशी, अबू तालिब, सम्राट संदीप कपूर, गोविंद शर्मा, राजेश पटेल, मिर्जा बबलू, मोहम्मद असफर शाह, जावेद खां, अल्ताफ मोहम्मद अफजल, नाजिम, राजेश तोमर, अजीम, प्रदीप यादव, तंजीम, राजनाथ, तैयब, मोहम्मद अनस आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शामिल रहा। 136 दिन हम लोग यात्रा में बिताए, 12 स्टेट, 175 जिले और 2 केंद्र शासित प्रदेश से हम लोग पैदल चल के कश्मीर पहुँचे। अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। देश हमारा बहुत सुंदर है, लोग आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। लोगों को बस यही संदेश देना है कि प्यार में जो बात है वो नफरत में नहीं है। नफरत से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिल के ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जो कुछ दिनों से जो भारत में हमारे देश में एक पार्टी द्वारा नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, एक धर्म के खिलाफ, जातियों के खिलाफ, वो नहीं होना चाहिए। इसी संदेश को लेकर हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के पैदल यात्रा किए। इस यात्रा से क्या लग रहा है, यूपी में जनाधार बढ़ेगा? बिल्कुल, ये यात्रा पहले तो मैं बता दूँ, जनाधार बढ़ाने के लिए नहीं है और ये मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, उस हैसियत से कह सकता हूं कि ज़रूर बढ़ेगा जनाधार। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं उम्मीद भरी आँखों से, क्योंकि देश जो है एकदम बर्बाद होते चला जा रहा है। देश में कुछ बचा नहीं है, सरकारी संसाधन बिकते चले जा रहे हैं, युवाओं का बेरोजगार हो रहे हैं, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है और लोगों का इस सरकार के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। 2024 के चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलेगा? 2024 के चुनाव में इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग नफरत के बाज़ार में राहुल जी जो है मोहब्बत की दुकान खोले हैं और इस मोहब्बत की दुकान में कौन नहीं चाहेगा कि हम जो है खरीदार बने।